सो वेलकम बैक टू यूज़ ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका कंप्यूटर ट्रेनर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएस वर्ल्ड की कंप्लीट कोर्स सीरीज। इससे पहले मैंने एमएस एक्सेल पे कंप्लीट कोर्स सीरीज ऑलरेडी अपलोड कर दी है, अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, जाकर आप वहां से सारे ही टॉपिक्स को चेकआउट कर सकते हैं। अकाउंटिंग की क्लासेस आपको रेगुलरली मिल रही हैं और हमने अब तक एक्सेल की क्लासेस भी काफ़ी हद तक अपलोड कर दी है। बिफोर जंपिंग टू द कोडिंग, आई वॉज प्लानिंग पहले कि मैं कोडिंग की क्लासेस पहले स्टार्ट करूं, बट मुझे लगा कि पहले हम सिस्टमैटिक तरीके से ही चीज़ों को क्लियर करते हैं तो आपको आसानी रहेगी। इसीलिए पहले हम एमएस वर्ड क्लियर करेंगे एंड देन पावर पॉइंट, और इसके बाद कोडिंग के लिए HTML, CSS, JavaScript, जितने भी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर कोर्सेस हैं वो सारे आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे बीट कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई भी क्लास अपलोड हो हमारे एंड से आप उसको मिस ना करें। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एमएस वर्ड कोर्स की पहली क्लास है और आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड के होम इंटरफेस की। अगर आपको एमएस ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है, तरीका नहीं पता है आप कैसे उसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप उसके लिए कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आई मेक श्योर अगर आप लोग पूछेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कैसे आप एमएस ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल 2022-21 वर्जन, अगर आपको ये वर्जन डाउनलोड करना है फ्री में बिना पैसे दिए तो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एमएस वर्ड कोर्स सीरीज की। सबसे पहले मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे पास है एमएस ऑफिस 2021 वर्जन। जब आप एमएस वर्ड को ओपन करेंगे, ये मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है। हो सकता है आपके पास एमएस ऑफिस 2010 हो, 2016 हो या 2019 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़े बहुत ऑप्शंस डिफरेंट होंगे, बाकी सब कुछ एक जैसा ही है। तो जब आप एमएस वर्ड को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद ये इसका कुछ होम इंटरफेस है। चलिए सबसे पहले हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं किस हिस्से को हम क्या कहते हैं। सबसे ऊपर का जो हिस्सा है हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वन। इस पूरे के पूरे हिस्से को हम बोलते हैं टाइटल बार। यहाँ पे बेसिकली जब आप किसी फाइल को सेव करेंगे, सेव करने के बाद उस फाइल का नाम यहाँ पे शो करेगा, यानी फाइल कि जो टाइटल होगा वो शो करेगा जब आप उसको सेव करेंगे। एक चीज़ में है, जब तक आप किसी फाइल को सेव नहीं करते तब तक ये ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट वन नाम सेव लेता है, यानी बाय डिफॉल्ट ले लेता है। हाँ, एक बात और है, अगर आपने डॉक्यूमेंट वन नाम से कोई फाइल सेव कर रखी होगी तो ये डॉक्यूमेंट टू, डॉक्यूमेंट थ्री ऑटोमेटिकली इस तरीके के नाम जनरेट करता है और वो आपको यहाँ टाइटल बार पर शो करेंगे जब तक आप उसको किसी और नाम से सेव नहीं करेंगे। चलिए, यहाँ पर टाइटल बार को भी तीन हिस्सों में बांटा गया होता है। इधर का हिस्सा आप देखेंगे जहां पे आपको बेसिकली तीन बटन्स दिखाई देंगी। सबसे लास्ट वाला है क्लोज बटन, जिस पे क्लिक करेंगे और आपका ये एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। इसके बगल में आप यहाँ पे देखेंगे आपको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन देखते हैं। अगर आप मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एप्लीकेशन नीचे चला जाएगा टास्क बार में और यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप इससे अपने एमएस वर्ड का विंडो छोटा या बड़ा कर सकते हैं। देखिए यहाँ से जैसे कर पा रहे हैं, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका वो एप्लीकेशन यहाँ नीचे आ जाएगा। चलिए मैं इसको बंद कर लेता हूँ, काफ़ी कुछ मैंने ऑलरेडी बैकग्राउंड पे ओपन किया हुआ है। चलिए, हमारा एमएस वर्ड ओपन हो गया। तो ये तीन बटनों का आपको काम पता चल गया होगा, इससे आपका एप्लीकेशन बंद होता है। इससे आप इसको छोटी विंडो पे कर सकते हैं, बड़ी विंडो पे कर सकते हैं, बेसिकली मिनिमाइज मैक्सिमाइज, और इससे आप इसको टास्क बार में मिनिमाइज कर सकते हैं। इधर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेव बटन है। अगर आपको किसी फाइल को सेव करना है तो आप इस पर क्लिक करते हुए सेव कर सकते हैं। ये क्विक टूल बार कहा जाता है और ये ऑलमोस्ट हर वर्जन में है। अपने हिसाब से आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके रखा हुआ है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरी जो फाइल्स होती हैं, अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो ये क्लाउड पे जाके सेव होना स्टार्ट कर देंगी। ये चीज़ें आपको ज़्यादातर लेटेस्ट वर्जनस में मिलेंगी, और जो पुराने वर्जनस हैं वहाँ पर आपको बेसिकली अनडू रिडू ये ऑप्शन दिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे केस में अनडू रिडू नीचे है, यहाँ पर देखिए एक स्टेप पीछे जाने के लिए और एक स्टेप आगे आने के लिए, ये आपको अनडू एंड रिडू बटन। हो सकता है आपके पास एमएस ऑफिस 2010 हो, 2013, 2016 या 2019 हो, तो आपको ये दोनों बटन यहां ऊपर दिखाई देंगे और आपको सेव बटन दिखाई देगा। इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं क्विक टूल बार, जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे आएंगे तो ये आपको टैब्स दिखाई दे रही है, फाइल है, होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प।
अब इनको हम टैब कहते हैं। अगर आपके पास एमएस ऑफिस 2003 है तो यही टैब्स आपके मेन्यू बन जाएंगे। तो बेसिकली आप इसको मेन्यू बार कह सकते हैं, लेकिन इस वर्जन में तो इसको हम मेन्यू बार नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे मेन्यूज़ नहीं है, उसकी जगह पे टैब्स है। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पेस्ट या बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन इस टाइप के काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखते हैं। इनको हम बोलते हैं रिबन। हर एक टैब का अपना रिबन है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे होम सिलेक्टेड है और होम के रिबन्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो इंसर्ट के रिबन आ जाएंगे, अगर मैं ड्रॉ पे क्लिक करूँगा तो ड्रॉ के रिबन आ जाएंगे, डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा तो डिज़ाइन के रिबन आ जाएंगे, लेआउट पे क्लिक करूँगा तो लेआउट के रिबन आ जाएंगे। इन पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। इस हिस्से को बस आप जान लीजिए, इसको हम बोलते हैं रिबन। इसके जस्ट आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये दिखाई देता है रूलर का हिस्सा है। ये रूलर है बेसिकली, आप ये कह सकते हैं। रूलर क्या करता है, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो उसका साइज क्या है एक्चुअल में, ये आपको रूलर यहाँ पोर्शन पे दिखता है। जो आपको बता रहा है कि जो आप मैटर लिखने वाले हैं ये तकरीबन 6.5 इंचेस की चौड़ाई तक जाएगा। वैसे ही आप यहाँ पे भी देखेंगे साइड में तो यहाँ पर आपको पेज की लंबाई बता रहा है, जो कि ऊपर से नीचे तक आप जाएंगे तो बता रहा है टोटल पेज का आपका साइज और कितने मैटर में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मार्जिन सेट किया गया है, वो मैं आपको बताऊँगा। तभी हम जब भी मैटर लिखते हैं तो देखिए मैटर हमारा यहाँ से लिखना स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक फार्मूला हमारा आता है, मैंने इज इक्वल टू किया और यहाँ पे लिखा रैंड, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब इसके बाद मुझे 5.6 मुझे 5 पैराग्राफ्स चाहिए, इंटरप्रेस करूँगा और ये दिख गए आपके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 5-6 जो भी है ये आपका फॉर्मूला था जिसकी सहायता से आप एक रैंडम सा टेक्स्ट ला सकते हैं। अगर आप कोई टेक्स्ट नहीं टाइप करना चाहते हैं और आप लैब करना चाहते हैं, आप चाहते हैं सिस्टम ऑटोमेटिकली टेक्स्ट जनरेट कर दे जिसका आप इस्तेमाल कर पाएँ एमएस वर्ड में लैब करने के लिए, अलग अलग ऑप्शंस को समझने के लिए, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। फार्मूला क्या था, इज इक्वल टू रैंड RAND ब्रैकेट स्टार्ट, इसके बाद जितने भी आपको कॉलम्स चाहिए और जितने भी पैराग्राफ चाहिए और जितने भी रो चाहिए आप उतना लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और आपका आ जाएगा। एक बार अगर मैं दोबारा चेक कराता हूं तो यहां से मैं इसको हटा देता हूं, इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट स्टार्ट 5.6, ठीक है। अब मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, 5-5 लाइनों की 6 पैराग्राफ्स आ जाएंगे। इंटर प्रेस करूंगा और आपके सामने आ गया है। अब यहाँ पे एक नोटिस करने वाली चीज़ ये है, मैटर आपका बिल्कुल ऊपर से नहीं आया है और यहाँ से भी इतना ऐसा छोड़ के चल रहा है, देखिए चारों तरफ से इतना ऊपर से, यहाँ लेफ्ट से और राइट से, इसके बाद नीचे से, नीचे तो मगर मैटर पहुँच ही नहीं पाया है। इस हिस्से को हम बोलते हैं मार्जिन। जब भी आप मैटर लिखते हैं तो आप उसके हिसाब से मार्जिन सेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे, अब समझते जाइए। इसको हम स्क्रॉल बार कहते हैं, जिससे हम पेज को अपने स्क्रॉल करते हैं ऊपर नीचे की ओर, और इसके जस्ट नीचे आप यहाँ पे देखते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार, जो आपके इस डॉक्यूमेंट का स्टेटस बताएगा। ये बता रहा है कि इस डॉक्यूमेंट में ओवरऑल एक ही पेज है अब तक और टोटल 478 वर्ड्स को टाइप किया जा चुका है। यहाँ पे लैंग्वेज जो यूज़ कर की जा रही है वो है इंग्लिश, यूनाइटेड किंगडम की। इसके जस्ट आप बगल में इधर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको माइनस सिंबल और प्लस सिंबल दिखाई देगा। यहाँ पर आपको 3 मोड दिखते हैं, आप देख सकते हैं ये है आपका रीड मोड, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये रीडिंग मोड पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसके जस्ट बगल में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका प्रिंट लेआउट है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट लेआउट पे आ गया। ये आपको ये बताएगा कि जब आप इसका प्रिंटआउट निकालोगे तो प्रिंटआउट के समय ये कैसे दिखाई देगा। इसके जस्ट बगल में आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप वेब लेआउट सेट कर सकते हैं, यानी अगर इसे इंटरनेट पर अपलोड किया जाए तो इंटरनेट पर ये किस तरीके से दिखाई देगा। चलिए यहाँ से मैं इसको पेज पे ले आता हूं। अब यहां से आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अगर आप इस पोर्शन को यहां से ऐसे करेंगे देखिए तो छोटा और बड़ा हो रहा है। एक चीज समझ लीजिए, इसका मतलब ये नहीं है जो मैटर लिखा है ये बड़ा हो रहा है, आप ये कह सकते हैं आपने एक मैग्नीफायर लगा दिया, उस मैग्नीफायर की सहायता से आप इसको बड़ा या छोटा करके देख रहे हैं, मैटर का साइज एग्जैक्टली उतना ही है। तो ये है आपका एमएस वर्ड, जहां पर हमने देखा कि ओवरऑल आपको ऊपर एक ये बार है जिसको हम टाइटल बार कहते हैं, बगल में आपको स्क्रॉल बार दिख रहा है, यहाँ पर टैब्स है, इसके नीचे रिबन्स है, इसके बाद आपको रूलर ऑप्शन दिखता है जहाँ पर आप स्क्रॉल बार से नीचे इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों ओर स्क्रॉल भी कर सकते हैं। नीचे है आपका स्टेटस बार और सबसे नीचे है आपका टास्क बार। टास्क बार तो कॉमन है क्योंकि वो किसी एप्लीकेशन विशेष को लिए नहीं होता है, वो तो हर एक जगह होता ही होता है क्योंकि वो OS का फीचर है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। सबसे पहले हमें जो दिखता है यहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प, इनको हम टैब कहते हैं। और चूंकि आज की ये पहली क्लास है तो मैं आपको टैब्स के बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर बता दूंगा, ठीक है।
आपको अगर आपके खुद के टैब्स क्रिएट करने हो एमएस वर्ड में, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, या फिर जो टैब्स आपको ऊपर दिखाई देते हैं जैसे फाइल, होम, इंसर्ट है, आपको इनको वहाँ से हटाना है, आपको हाइड करना है, आपको रीनेम करना है, टैब से संबंधित कोई भी चीज़ आपको करनी है वो आप कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर आएंगे फाइल पर, एंड देन इसके बाद आप नीचे देखेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देता है, आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप इस विंडो पर पहुँचेंगे। अब पहुंचने के बाद आप यहां पे देखेंगे जर्नल, डिस्प्लेस, प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेज, एक्सेसिबिलिटी, एडवांस, कस्टमाइज, रिबन। बस आप समझ जाइए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं रिबन, और यहां पे कस्टमाइज रिबन की सहायता से आप इस हिस्से को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको फ़िलहाल क्या करना होगा, आपको यहाँ से जाना होगा, मैं एक बार कस्टमाइज रिबन पर क्लिक करूँगा। इसके बाद आपके सामने देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू एंड एडिंस, हेल्प। अब अगर मैं इसको थोड़ा नीचे करूँ तो आप देख लीजिए जो भी आपको यहाँ दिख रहे हैं ऑलमोस्ट यहाँ से नीचे वो सारे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अगर मैं किसी से भी टिक हटा दूँ, लाइक मैं यहाँ से टिक हटाता हूँ और मैं ओके करता हूँ, तो अब आप वहाँ पे देखेंगे आपको होम टैब दिखना बंद हो गया है। अगर फिर से आपको वापस लाना है तो क्लिक करिए, एंड देन इसके बाद आपको ऑप्शंस पे जाना है, एंड देन इसके बाद कस्टमाइज रिबन पे चले जाइए, और यहाँ से आपने जहाँ पे टिक किया था, अनटिक किया था सॉरी, आप उसको दोबारा से टिक करिए, ओके करिए, और वो चीज़ आपके वहाँ पे वापस आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आप डिलीट भी करना चाहें डायरेक्टली तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और कस्टमाइज रिबन पर जाऊँगा। मान लीजिए आपने कोई छेड़छाड़ कर दी यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे ऐसे एंड ऐसे, तो यहाँ से मैं तीनों को यहाँ से गायब कर देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस गायब हो चुके हैं, टैब्स कम हो गए हैं। अब आपको लगता है कि नहीं भाई जैसे पहले था ये वैसे ही हो जाना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप कस्टमाइज रिबन पे जाएंगे, एंड देन इसके बाद आपको यहाँ पर रीसेट ऑप्शन दिखाई देता है, आप क्लिक करेंगे और रीसेट ऑल कस्टमाइजेशंस। इससे क्या होगा, अगर आपने कोई भी छेड़छाड़ की है, कोई भी चेंजेस किए हैं, तो ऑटोमेटिक अपने पुराने हाल पर पहुँचेगा। इसके बाद आप यस कर देंगे और यहाँ से ओके करेंगे, तो देखिए वापस से आपके वो सारे यहाँ पर आ गए हैं। चलिए और अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ऑप्शंस पे ही जाऊँगा और कस्टमाइज रिबन पे जाऊँगा। चलिए अब मुझे मान लीजिए एक अपना खुद का एक नया रिबन एक टैब बनाना है, और उसके अंदर हमें कुछ ऑप्शंस भी ऐड करने हैं। तो टैब क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप यहीं जाएंगे और नीचे देखेंगे आप न्यू टैब। अब यहाँ पे कहाँ चाहते हैं पहले आप वहाँ पे क्लिक करिए, तो उसकी जगह पे आपका या उसकी आसपास वो चीज़ आ जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं होम के जगह पे चाहता हूँ, होम के पास, तो मैं न्यू टैब पे आप क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं ओके कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे होम के जस्ट बगल में न्यू टैब आ गया। यहाँ पे कुछ भी अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने ऑप्शंस को ऐड नहीं किया है। हमें ऑप्शंस को ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे, इसका नाम चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पर आप क्लिक करें एंड देन ऑप्शंस पे जाएं, कस्टमाइज रिबन पे जाएं, एंड देन आपको जिस भी टैब का नाम चेंज करना है आप उस टैब पे क्लिक करें एंड रीनेम करें। मान लीजिए मुझे इसका नाम AS रखना है, AS ग्रुप, तो मैं यहाँ से AS ग्रुप करूँगा एंड देन मैं यहाँ से कर देता हूँ ओके। इसके बाद मैं यहाँ से करूँगा ओके एंड देन आपका यहाँ पे AS ग्रुप आ गया है। अब मुझे ऑप्शंस ऐड करने हैं, फाइल एंड देन ऑप्शंस, कस्टमाइज रिबन, एंड देन आप यहाँ पे आइए और इसके नीचे जस्ट न्यू ग्रुप पे क्लिक करिए। ऑप्शंस यहाँ पे बहुत सारे हैं, आपको जो भी ऐड करने हों। पॉपुलर कमांड्स तो दिख रही हैं, अगर आप ऑल कमांड्स पे चाहें तो आप ऑल कमांड्स पे जा सकते हैं, तो आपको सारी के सारी कमांड्स यहाँ पे दिखने लगेंगी। अब मान लीजिए आपको जो भी कमांड ऐड करनी है, जो भी आप ऑप्शन ऐड करना चाहें, क्लिक करें और ऐड करें, क्लिक करें और ऐड करें। आप यहाँ से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करते जाएं और उसे ऐड करते जाएं, वो ऑप्शन आपका ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐड होता जा रहा है और मैंने यहाँ पे कर दिया ओके। ओके करते ही आप देखेंगे कि आपके उस AS ग्रुप टैब के अंदर अब यहाँ पे ऑप्शंस आ गए हैं। आपको हटाना है तो आप वापस से हटा सकते हैं, आप इसको गायब करना है या डिलीट करना है वो भी आप कर सकते हैं। फाइल पे चले जाइए, ऑप्शंस पे जाइए, कस्टमाइज रिबन पे जाइए। अगर आपको डिलीट करना है तो डायरेक्टली आप डिलीट कर सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ हाइड करना है तो हाइड कर सकते हैं। हाइड करने के लिए आप बस अनटिक कर दें और ओके कर दें, उससे आपका वहाँ से हाइड हो गया। लेकिन अगर आपको परमानेंटली डिलीट करना है तो आप ऑप्शंस पे जाएं एंड देन इसके बाद कस्टमाइज रिबन पे जाएं, एंड देन इसके बाद आपको क्या करना है, अगर परमानेंटली डिलीट करना है उस पर क्लिक करें एंड रिमूव कर दें। अगर उसके अंदर के ऑप्शंस को केवल डिलीट करना है तो हम न्यू ग्रुप पे चले जाइए और यहाँ पे क्लिक करें और रिमूव कर दें। पूरा का पूरा आपको यहाँ पे टैब ही रिमूव करना है तो पहले क्लिक करें, मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और रिमूव कर दें।
ओके कर दें एंड देन आपका वहाँ से वो चीज़ हट जाएगी। अब आपको उसको रिमूव करना है या आपको उसको हाइड करना है, ये आपको समझना पड़ेगा। अपने हिसाब से आप यहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, कई बार ऐसा भी होगा कि जब आप काम करेंगे तो बार बार हट जाया करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आया मैं और मान लीजिए राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ कस्टमाइज द रिबन, लिखा हो कोलैप द रिबन। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ से रिबन्स गायब हो गए आपके। अभी क्या होगा, अगर मैं किसी टैब पे जाके क्लिक करूंगा तो वो रिबन यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए जैसे मैं बाहर क्लिक करता हूँ कहीं पे भी, जैसे मैं नीचे क्लिक करता हूँ वो गायब हो जाता है। तो ऐसे में आपको दोबारा उसको परमानेंटली स्टेबल रखना है तो आप एक बार क्लिक करें, चाहें तो आप यहाँ से राइट क्लिक करें और कोलैप से हटा दें, या फिर आप वही चीज़ कर सकते हैं कि जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे आया, अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा एक बार ऐसे, सॉरी अब देखिए नहीं हट रहा है। अब मैं किसी भी क्लिक करूंगा तो ये नहीं हटेगा। तो इस तरीके से आज बेसिकली हमने ये समझा है कि एमएस वर्ड में कितने बार्स होते हैं, क्या एक्चुअली इसका इंटरफेस होता है और किस काम में आता है। इसके साथ साथ अगर हमें खुद के टैब्स क्रिएट करने होंगे तो कैसे क्रिएट करेंगे, अगली क्लास में हम फिर से बात करेंगे एमएस वर्ड के जितने भी ऑप्शंस हम डिटेल में सारे समझेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये कोर्स भी बहुत पसंद आएगा एमएस एक्सेल के तरीके ही। बट अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज की इस क्लास में फिलहाल इतना ही, बहुत जल्द मिलने वाले हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।